नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सबके सामने व्यक्त करूंगा, और फिर उसके बाद आपकी मैरिज, मनी लॉसेज या कष्ट कब तक खत्म होगा, इन सब के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ पर। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके जैसे ही दिलो दिमाग में कोई भी बात आएगा, उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेना, या आपके बेसिक नेचर में देखने को मिल रहा है। पेशेंस लेवल की थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगा और इंडिपेंडेंटली वर्क करना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। यानी किसी से दब करके या किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली आप महसूस नहीं करेंगे, बल्कि अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। फुर्तीलापन, जुनून, हौसला आपके अंदर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और फिंगर के बीच में जो यहाँ गैप्स मेंटेन हो रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को बताता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और लिटिल फिंगर के लिए थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जो एक कम्युनिकेशन स्किल में गैप को, यानी स्टेज फेयर होना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर्स से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या शर्मिलापन महसूस करना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति भी थोड़ी कमज़ोर इस कारण से देखने को मिलती है। परंतु आपकी लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट है बाकी सारे फिंगर से, तो आपको यहाँ ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा कि बाहरी दुनिया, बाहरी लोग वगैरह क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप सुनेंगे सबकी, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की। फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, या आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देगा, जिसके कारण कभी भी जीवन में जिम्मेदारियों से आप पीछे नहीं हटेंगे, जिम्मेदारियाँ अच्छी खासी उठाएंगे। और थर्ड फिंगर यानी ये सन की फिंगर आपको रिस्क टेकर बनाएगा, जिसके कारण लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। जेब में 5,000 रुपये है, रिस्क लेने की बारी आगे लाखों में आप ले लेंगे। इसके अलावा ये हिम्मती स्वभाव को भी यहाँ पर अच्छा व्यक्त करता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में आप ढल जाने के सक्षम रहेंगे। यहाँ फैलेंजेस आपके अच्छे डेवलप्ड हैं और अंदरूनी मंगल भी डेवलप्ड है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर अच्छा देखने को मिलेगा। थम का साइज़ देखें तो थम का साइज़ यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है, ना ज़्यादा शॉर्ट है। तो कुल मिलाकर के एक प्रकार से शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर भी देखने को मिलता है। क्विकली किसी बात का रिएक्ट करना या एक्शन लेना, ये नेचर में तो रहता ही है। साथ ही साथ टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको ज़्यादा यहाँ पसंद रहेगा। मांसल यहाँ पर आपका बिल्कुल कम नहीं है, तो इस कारण से किसी के भी सामने ज़्यादा झुकना फिर पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ देखें फर्स्ट और सेकंड फिलेंज के लेंथ में, तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो बताती है कि अगर आप कोई भी काम लॉजिक लगा के, यानी सोच विचार के अच्छे से करें, तो आपको अत्यधिक कार्यों में सफलता मिलेगा। यानी दूरदर्शिता रख करके आप कोई भी काम करेंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच के, तो लाभ अच्छा मिलेगा। यहाँ पर योग का चिन्ह है परंतु ओपन है, जिसके कारण जीवन में धन अच्छा आता ज़रूर है, लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पाम के साइज़ के विषय में यहाँ पर है, तो पाम का साइज़ आपका स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्डवर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, या आपके बेसिक नेचर में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो जहाँ तक रही मैरिज की बात, तो देखिए मैरिज का अगर शुभ परिणाम देखना है, तो गुरु का यहाँ स्ट्रॉन्ग अच्छा होना और शुक्र का अच्छा होना दोनों ज़रूरी है। आपका गुरु यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट यहाँ शुक्र आपका अच्छा है, इसलिए मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिले से आपके जो है हैप्पीनेस देखने को मिल रहा है, बट हैप्पीनेस आपके मैरिड लाइफ में रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर कि आपका जो सपोर्टिव लाइन यहाँ देखेंगे आप, हल्का सा हल्का जो स्टार्ट होना प्रारंभ हुआ है, ये अराउंड आपको 30 के एज से हुआ है, लेकिन जो सबसे मेन लाइन यहाँ स्टार्ट हुई है ये वाली, ये अराउंड हो रही है 34 के एज में। तो 34 के बाद से आपको मैरिड के लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा सुख मिलना स्टार्ट होगा, और एक प्रकार से हैप्पीनेस, पीसफुलनेस और ग्रोथ लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सिर्फ मैरिड लाइफ को ही नहीं, बल्कि सपोर्ट सिस्टम को भी इंडिकेट करता है कि 34 के एज के बाद आपको सपोर्ट इतना अच्छा, बाहरी दुनिया का कहें, स्पाउस का कहें, इतना अच्छा मिलने लगेगा कि लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ने लगेगी, और जो टेंशन, डिप्रेशन या इस प्रकार की कोई भी तकलीफ परेशानी होती है, ये फिर कम होता है, क्योंकि इस रेखा का काम है सपोर्ट करना लाइफ लाइन को। तो इस कारण से जो भी स्ट्रेसेस या ट्रबल आता है, वो फिर धीरे धीरे कम भी होता जाता है। और देखें आप कि जब ये लाइन प्रारंभ हुई है, उसके बाद से प्रोग्रेस लाइन और ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट तरीके से निकलने लगा है, और लाइफ लाइन के फ्लो में भी आप देखेंगे तो एकदम स्मूथ फ्लो होकर के बाहर की ओर ये रेखा झुक रही है, जो कि बताती है कि आफ्टर मैरिज एक प्रकार से 34 के एज के बाद जन्म स्थान से दूर जाने के योग भी हैं। अब गुरु यहाँ पर जैसे ज़्यादा एरिया नहीं ले पा रहा, डेवलप नहीं है, तो ये मैरिड लाइफ में जो खुशी होती है उसको थोड़ा डिले यानी देरी से देखने को मिलता है, और एक प्रकार से फैमिली लाइफ को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देता है।
परंतु यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन पहुँच रही है, जो एक प्रकार से आपके एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे लाइफ के प्रति। जो आपका ड्रीम डिज़ायर या सोच रहेगा बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा, और जो कुछ अपने जीवन में एक बार ठान लेंगे वो सारी चीज़ें आप हासिल करके भी दिखाने वाले रहेंगे, क्योंकि इस प्रकार की रेखा व्यक्ति को जीवन भर ग्रोथ देती रहती है, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी ये निरंतर बढ़ते रहता है। सैटर्न माउंट की बात करें तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल है आपका, ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो हर काम के शुरुआत में थोड़ा देरी ज़रूर देखने को मिलता है। परंतु यहाँ भाग्य रेखा पर आएँ तो भाग्य रेखा आपके मणिबंध के क्षेत्र से ही प्रारंभ हो रहा है, फिर मून का कनेक्शन इसमें हुआ और ये रेखा सीधे कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ती है। तो मून का जब कनेक्शन होता है तो बर्थ प्लेस से दूर जाकर के ग्रोथ मिलता है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ मिलता है, लाइफ में कोई दूसरा पर्सन एंटर करता है तब जाकर के ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की बहुत ये आपकी जो भाग्य रेखा है मजबूत है, और यहाँ पर आपके अराउंड 34 से लेकर के तो 37 का पीरियड रहेगा, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है, टफ रह सकता है इन टर्म्स ऑफ लक, इन टर्म्स ऑफ मनी, बट उसके बाद से वापस भाग्य रेखा मजबूत होती जा रही है, तो इतना ज़्यादा दिक्कत पैसों को लेकर के जीवन में कभी आपके आने वाला नहीं रहेगा। बीच की रेखा अच्छे नॉलेज एडवाइज़र गाइडर को इंडिकेट करती है, तो दूसरों को राय आप अच्छे दे सकते हैं, और सूर्य का क्षेत्र भी विकसित ठीक, और यहाँ पर मल्टीपल्स लाइन होना यानी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को बताता है, एक समय पे एक से ज़्यादा काम आप करते हैं और आपका इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान समाज में अच्छा रहने वाला भी रहेगा। मरकरी माउंट डेवलप्ड यहाँ ठीक है, और कोई ऐसी सीधे खड़ी रेखा नहीं है तब भी, लेकिन बोलचाल की कला ठीक देखने को मिलती है, और जितना ज़रूरत है उतना ही आप यहाँ पर बोलने वाले रहेंगे। हृदय रेखा के अंत में यहाँ पर गोपुज की आकृति है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है, और यहाँ देखें तो हृदय रेखा इस प्रकार से सीधे निकलते हुए आपका मेजरली गुरु की तरफ झुका हुआ है, गुरु पर प्रॉपरली गए नहीं है, लेकिन तब भी ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को इंडिकेट करता है, किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे आप, और जिससे भी रिश्ता निभाएंगे अपने तरफ से उस रिलेशन में आप 100% देने वाले भी रहेंगे, दिल के साफ रहेंगे, दूसरों का भला चाहने वाले होंगे, और थोड़ा सा इमोशनल नेचर यहाँ आपका ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचेंगे, किसी का दुख दर्द ना देख पाना, खुद से जितना हो सकता है सहयोग प्रदान करना, वैसे योग भी बनते हैं। आपकी हार्ट लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा सा फेल करके चल रही है, तो इस कारण से कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा ध्यान रखें, बाकी कोई यहाँ ऐसी दिक्कत परेशानी हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं है। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन यहाँ पर आपके देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन एक प्रकार से सीधे जा रही है, और यहाँ पर माइंड लाइन टूटी हुई है अराउंड आपके 35 के एज में, और उसके बाद जाकर के ये माइंड लाइन सीधे डिक्लाइन हुई है, यानी 35 के एज के बाद आपके जीवन में एक प्रकार से काल्पनिकता, सोचने विचारने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और 35 अराउंड के एज में एक प्रकार से सोच में परिवर्तन हो रहा है, और ये शनि के क्षेत्र पर ही टूटी हुई है, तो थोड़ा टेंशन, सरदर्द या सर पे चोट लगना, वैसे योग भी बनते हैं। हालांकि जैसा कि सहयोगी रेखा चल रही है हाथ में, तो कोई सर पे ऐसा चोट वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेंटिलिटी में चेंजेस हो रही है, तो कुछ ना कुछ लाइफ में चेंजेस आपके 35 अराउंड एज में देखने को मिलेगा। और उसके बाद जाकर के एक रेखा यहाँ से सीधे निकल के बुध की तरफ झुक गई है, जो कि व्यापार में आने के योगों को भी बताता है। बात करें यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ से सीधे निकलते हुए मिड में आया है और फिर बाहर की ओर झुका है, जो कि विदेश यात्रा का सूचक होता है। लाइफ में लाइन में कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी डीप कट लाइन यहाँ नहीं है, सब के सब देखेंगे तो आपको प्रोग्रेस लाइन यहाँ देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो लाइफ में जो प्रोग्रेस या ग्रोथ है वो 30 के एज से स्टार्ट होते हुए अराउंड 38 के एज तक चल रहा है, तो 30 से 38 का पीरियड आपके लाइफ में ऐसा रहेगा कि जिस चीज़ की चाहत रहेगी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली रहेगी। ऊपर वाला आपकी हर तमन्ना पूरे कर जो करने के लिए इसी समय पे बैठा हुआ है, और इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई इच्छा मनोकामना पूरी नहीं होगी, हल्की हल्की सी रेखा निकल रही, लेकिन इतना मजबूत भाग्य उस समय ना मिले, क्योंकि अभी भी भाग्य रेखा मजबूत है। तो अभी जो अपने जीवन में करना चाह रहे हैं सब करिए, जिस क्षेत्र में जाना उस क्षेत्र में जाइए, थोड़े बहुत अपने एफर्ट्स ज़्यादा डालिए, ऊपर वाला आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला इन सारी चीज़ों में रहेगा। अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से शारीरिक गठन बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों अच्छा देखने को मिलता है, और फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट भी देखने को मिलता है। शुक्र का क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा विकसित है, जो कि कामुकता को बताता है, लेकिन ये अच्छे स्वास्थ्य का कारक होता है, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, घूमना फिरना, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार, पूरी लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सब का कारक ही होता है। ये बात ज़रूर है कि शुक्र इतना जब डेवलप्ड हो तो किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन दिलवाता है, बट जीवन में किसी एक चीज़ की कमी है शुक्र होने नहीं देगा आपको। और एक से अत्यधिक रेखा भी है तो शौकीन किस्म का नेचर होता है, और एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी भी लाइफ में अच्छी आती है, दूसरों का सहयोग भी अच्छा मिलता है। भाग्य में ऐसी कोई कमी नहीं है,
चंद्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा है, तो सोचने समझने की क्षमता ठीक रहेगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके माइंड लाइन के नीचे यानी ये लाइफ लाइन पर 2 से 3 यहाँ पर राहु की रेखा ने काटा हुआ है, तो अराउंड ये 28 के एज में, 31 और ये तकरीबन 33 के एज में किसी न किसी वे में मनी लॉसेस को ये इंडिकेट करता है। बस दैट्स इट, और कोई मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आपके नहीं है। राइट पाम पर आपके आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो यूनियन लाइन है वो कुल मिलाकर के एकदम स्ट्रेट है। तो जब यूनियन लाइन स्ट्रेट होती है तो जो जीवन में स्पाउस जो रहते हैं वो एक प्रकार से इक्वल बैलेंस करके चलने वाले होते हैं। जैसे एक प्रकार का रिस्पेक्ट देना, एक समान यहाँ पर तवज्जो एक दूसरे को देना, एक प्रकार से एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना, समझना, तो सीधी जो यूनियन लाइन होती है ये कुल मिलाकर के सक्सेसफुल मैट्रिमोनियल लाइफ को यानी मैरिड लाइफ को बताता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सम्मान करते हुए चलते हैं ऐसे सिचुएशन में। और बहुत स्मूथ मैरिड लाइफ होने के कारण ही कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर देखेंगे तो गुरु माउंट कुल मिलाकर के डेवलप्ड नॉर्मल है। आपके राइट पाम पे यहाँ पर आपके एक प्रकार से मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो जीवन में धन अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी, और व्यापार से सर्वाधिक आपके जीवन में आपको लाभ मिलेगा। शुक्र बहुत अच्छा एरिया यहाँ पर ले रहा है, तो जीवन में किसी चीज़ की, एक सिंगल चीज़ की लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास मिलने वाली रहेगी, और शुक्र आपको एक प्रकार से यहाँ पर साफ़ सुथरी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा, जो सुंदरता है उन सब के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा, और एक प्रकार से बहुत ऊँची ऊँची थिंकिंग भी देने वाले रहेगा, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत ऊपर तक उठ सकें। तो कभी भी अपने थिंकिंग से हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से हुआ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये सारी चीज़ें ऊपर वाला आपको देना चाह रहा है। इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो सिंपली एक से अत्यधिक आपकी शनि की रेखा भी है, जो बताती है कि एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन रहेगा, लेकिन यहाँ सूर्य की रेखा बिगड़ गई है, तो इस कारण से ये फोकस में थोड़ी कमी को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा जो काम करते हैं उसके कारण जो मेहनत है उसमें फिर कमी आने लगता है, मेहनत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो किसी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं निकल पाता है और कन्फ्यूज़न भी थोड़ा बढ़ जाती है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक समय पे एक काम ख़त्म करने के बाद ही दूसरा काम हाथ में ले, तो ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और माइंड लाइन के ऊपर से भी यहाँ पर 35 के अराउंड प्रोग्रेस लाइन निकली है, बहुत बेहतरीन बिजनेस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा 35 के एज के अराउंड में। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।